दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन जा रही है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लाइन को देख कर उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट देख कर आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन गुजर रही है। जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वोल्टेज का यूज होता है, और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके द्वारा हम 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी तक वोल्टेज ले जाते हैं। तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन से कितने केवी की लाइन जा रही है? तो आपने ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के इंसुलेटर देखे होंगे, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अलग अलग टावर में अलग अलग तरह के इंसुलेटर यूज होते हैं। किसी टावर में ज़्यादा इंसुलेटर होते हैं तो किसी में कम इंसुलेटर होते हैं, और कुछ इंसुलेटर वर्टिकली लगे होते हैं तो कुछ इंसुलेटर हॉरिजेंटल लगे होते हैं। अब सबसे पहले हम 11 केवी की लाइन की बात कर लेते हैं कि आप 11 केवी को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर प्रत्येक फेज़ पर एक एक इंसुलेटर लगा हुआ है। दोस्तों जो 11 केवी की लाइन होती है उसके अंदर इस तरह के सिंगल इंसुलेटर लगे होते हैं, इनको हम डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। अब यदि इस तरह के इंसुलेटर भी आप देखते हैं किसी लाइन के ऊपर तो भी आप पता कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन है। ये जो इंसुलेटर हैं, यह इंसुलेटर 11 केवी और 33 केवी की लाइन के अंदर ही यूज होते हैं। जो 11 केवी के इंसुलेटर होते हैं उनकी साइज़ 33 केवी के पिन इंसुलेटर से थोड़ी छोटी होती है। अब हम 33 केवी की लाइन का भी पता कर लेते हैं कि 33 केवी की लाइन को आप कैसे पता कर सकते हैं कि इस पोल पर 33 केवी की लाइन जा रही है। जैसा कि यहाँ आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर जो डिस्क इंसुलेटर लगे हैं वो 3 लगे हैं। जैसा कि हमने 11 केवी के अंदर देखा था वहाँ पर एक इंसुलेटर लगा था, और 33 केवी के अंदर टोटल 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं। अब यदि हमें किसी पोल पर इस तरह के पिन इंसुलेटर दिखते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि यह 33 केवी की लाइन है। 33 केवी के अंदर जो पिन इंसुलेटर होते हैं उनकी साइज़ 11 केवी के पिन इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप पिन इंसुलेटर देखें तो आपको स्वयं अनुमान लगाना होगा कि यह 11 केवी की लाइन है या फिर 33 केवी की लाइन है। अब हम 66 केवी से ऊपर वाली लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 66 केवी से ऊपर वाली जितनी भी लाइन होती है तो उनके लिए इस तरह के टावर का यूज़ किया जाता है। इन टावर को हम ट्रांसमिशन टावर भी कहते हैं। ट्रांसमिशन टावर में दो तरह के इंसुलेटर यूज होते हैं, एक तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और दूसरा स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं वह वर्टिकल लगे होते हैं, और जो स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर होते हैं वह हॉरिजेंटल लगे होते हैं। अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यह इमेज 66 केवी के लाइन की है। जैसा कि इस इमेज के अंदर आपको प्रत्येक फेज में 5-5 डिस्क इंसुलेटर दिख रहे होंगे, तो दोस्तों हमारी जो 66 केवी की लाइन होती है उसके अंदर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 5 लगे होते हैं। तो इस प्रकार यदि आर फेज है तो आर फेज के अंदर 5 इंसुलेटर होंगे, वाई फेज के अंदर भी 5 इंसुलेटर होंगे, और बी फेज के अंदर भी 5 डिस्क इंसुलेटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। दोस्तों इस लाइन के अंदर ये जो इंसुलेटर लगे हुए हैं यह सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहलाते हैं। कभी कभी हमें किसी लाइन के अंदर 6 इंसुलेटर भी देखने को मिलते हैं। 6 इंसुलेटर उस केस में दिखने को मिलेंगे जब आपकी लाइन इस तरीके से होगी, यानी आपके जो इंसुलेटर हैं वह हॉरिजेंटल कनेक्टेड होंगे, यानी स्ट्रिंग इंसुलेटर यदि होंगे तो आपको 6 इंसुलेटर 66 केवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब हम 132 केवी की लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं यह 132 केवी की लाइन है। जैसा कि 132 केवी की लाइन के अंदर ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो इंसुलेटर वर्टिकल लगे होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में टोटल 9 डिस्क लगी हुई है, और यदि ये इंसुलेटर इस तरीके से लगे हों यानी हॉरिजेंटल लगे हों
तो इनकी संख्या 10 हो जाती है। यानी आप सस्पेंशन टाइप देखेंगे तो 132 KV में 9 इंसुलेटर होंगे, और यही यदि आप स्ट्रिंग टाइप में देखेंगे तो टोटल 10 इंसुलेटर देखने को मिलेंगे। तो ये इमेज मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर काउंट करने पर हमें पता चल रहा है कि टोटल 10 इंसुलेटर इसमें लगे हुए हैं। अब इसी प्रकार 220 KV के अंदर आपको सस्पेंशन टाइप में 15 डिस्क इंसुलेटर देखने को मिलेंगे, और यही इंसुलेटर यदि स्ट्रिंग टाइप में लगे होंगे तो इनकी संख्या 16 हो जाएगी। और इसी प्रकार 400 KV में आपको 30 से 31 इंसुलेटर देखने को मिलेंगे, और 765 KV के अंदर 57 से लेकर 58 तक इंसुलेटर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इंसुलेटर को देखकर पता कर सकते हैं कि आपके पास से कितने केवी की लाइन गुजर रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इंसुलेटर देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन गुजर रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।